जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आप सभी के लिए एक और नई औषधि लेकर के उपस्थित हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अमरूद की पत्तियाँ, जी हाँ अमरूद की पत्तियों से कई सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है दोस्तों। अमरूद की पत्तियों के घरेलू उपाय, अमरूद के पत्ते के फायदे के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों। यूँ कहें कि अमरूद के फल से ज़्यादा इसके पत्ते ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यह कई बीमारियों में रामबाण का काम करती है दोस्तों। जी हाँ, जैसे वजन कम करने में अमरूद की पत्तियाँ हार्ड स्ट्रेच को सुगर में बदलने से रोकती हैं, जिससे शरीर के वजन को घटाने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि वजन घटाने के लिए अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। गठिया के दर्द में, जी हाँ अमरूद के पत्तों को कूटकर पेस्ट बनाएं, इसे गर्म करके गठिया से प्रभावित हिस्से पर लगाएं, आपकी सूजन दूर हो जाएगी दोस्तों। स्वप्न दोष में लाभ, जी हाँ नाइटफॉल में भी लाभ करता है अमरूद का पत्ता। अमरूद के पत्तों को पीसकर उसका रस यानी कि जूस निकाल लें, इसके बाद रस में स्वादानुसार चीनी मिलाकर रोजाना सेवन करने से स्वप्न दोष की बीमारी नष्ट हो जाती है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को कम करना, जी हाँ अमरूद की पत्तियों का जूस लीवर को साफ करने में मदद करता है। यह बीमारी पैदा करने वाले कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये पेट की कई बीमारियों को ठीक करने में असरदार है। एक कप खौलते हुए पानी में अमरूद की पत्तियों को डालकर उबाल लें, फिर इस पानी को ठंडा करके छान कर पीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों, आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। दांतों की प्रॉब्लम, जी हाँ दांत दर्द, गले में दर्द, मसूड़ों में बीमारी अमरूद की पत्तियों के रस से दूर हो जाती है। अमरूद की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें और उसे मसूड़ों में लगाएं यानी कि मलें, इससे आपके दांत भी चमकीले हो जाएंगे और मसूड़ों का दर्द भी गायब हो जाएगा दोस्तों। डेंगू बुखार के लिए, डेंगू बुखार में अमरूद के पत्तों का जूस पिए, ये बुखार के इन्फेक्शन को दूर करता है दोस्तों। एलर्जी दूर करने में अमरूद की पत्तियों का रस किसी भी तरह की एलर्जी को दूर कर सकता है। जी हाँ अमरूद के पत्तों पर कत्था लगाकर चबाएं, केवल अमरूद के पत्ते चबाने से छाले ठीक हो जाते हैं। मुहासे दूर करें, जी हाँ अमरूद की पत्तियों का सेवन करने से आपके मुहासे गायब हो जाएंगे दोस्तों। बालों की ग्रोथ बढ़ाएं, जी हाँ अमरूद की पत्तियों में बहुत सारा पोषण तत्व पाया जाता है दोस्तों, जिससे कि आप अगर बालों में अमरूद की पत्तियों को या उनके रस निचोड़ करके लगाते हैं, फिर आप पुनः धो लेते हैं, तो आपके बाल स्वस्थ और मुलायम मजबूत बन जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों अमरूद की पत्तियां, जिनसे आप बहुत ही लाभकारी फायदे उठा सकते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगली बार हम मिलेंगे आपसे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर के। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, पुनः उपस्थित हैं हम आप सभी के सामने दोस्तों एक नई औषधि को लेकर के, जो आपके लिए बेहद कारगर और बेहद लाभकारी साबित होने वाली है। अक्सर घरों में सब्जियों व दालों में हींग डाली जाती है। हींग खाने में खुशबू के साथ साथ उसका स्वाद भी बढ़ाती है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी हींग के बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल लगभग हर किचन में किया जाता है। तो आइए आज हम इसके लाभ समझते हैं दोस्तों और लाभों के बारे में जानते हैं। अपच का उपचार, जी हाँ अपच का उपचार, अपच और पेट की अन्य समस्याओं के लिए हींग का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट्स तत्व खराब पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम आदि समस्याओं में
राहत पहुंचाते हैं। महिलाओं की समस्याओं में लाभकारी, जी हाँ, हींग में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पीरियड्स से जुड़ी सभी तकलीफों जैसे कि क्रैम्प्स, अनियमित पीरियड्स या ज्यादा तकलीफ में राहत पहुंचाती है। इसके अलावा ल्यूकोरिया और कैंडिडा इन्फेक्शन जल्दी ठीक करने में भी हींग मदद करती है। पुरुषों की यौन समस्याओं में फायदा। क्या आपको मालूम है कि हींग का इस्तेमाल पुरुषों में नपुंसकता दूर करने तथा शीघ्र पतन, स्पर्म की कमी का उपचार करने के लिए भी किया जाता है। अपने खाने में थोड़ी सी हींग जरूर मिलाएं ताकि बहुत सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं से आप अपना बचाव कर सकें। इसके अलावा एक गिलास गर्म पानी में हींग मिलाकर पीने से खून का दौरा तेज हो जाता है जिससे कि लिबिडो बढ़ता है। दोस्तों, सांस संबंधी समस्याओं से लड़ती है। जी हाँ, हींग प्राकृतिक रूप से बलगम को दूर करके छाती के कंजेक्शन को ठीक करता है। यह एक शक्तिशाली श्वसन उत्तेजक है। इसे शहद अदरक के साथ मिलाकर खाने से खांसी व ब्रोंकाइटिस की समस्या में आराम मिलता है। ब्लड शुगर लेवल कम करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ब्लड शुगर लेवल कम करता है। क्या आप अपना ब्लड शुगर लेवल कम करना चाहते हैं? फिर तो आपको अपने खाने में हींग डालना ही चाहिए दोस्तों, तभी ये अपना एंटी डायबिटिक प्रभाव दिखा पाएगा। हींग इंसुलिन को छिपाने के लिए अग्नाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें। जी हाँ, हींग में कोमरिंस नाम का एक तत्व होता है जो खून को पतला करके ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इसकी वजह से खून के थक्के भी नहीं जमते हैं दोस्तों। इससे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल और शरीर में ट्राइग्लिसराइड घटता है जिनकी वजह से हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। दर्द में राहत। क्या आपको मालूम है कि हींग के सेवन से पीरियड्स, दांत, माइग्रेन आदि का दर्द ठीक किया जा सकता है? दरअसल हींग में एंटीऑक्सीडेंट्स और दर्द निवारक तत्व मौजूद होते हैं जो आपको दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दर्द होने पर एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर पी लें। दांत के दर्द में हींग और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर लगाएं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। कैंसर का जोखिम कम करता है। जी हाँ, हींग में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जब आप इसे लगातार खाते हैं तो ये फ्री रेडिकल से शरीर की कोशिकाओं को बचाव प्रदान करती है। हींग की कैंसर विरोधी गतिविधि कैंसर कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध करती है, त्वचा की समस्याओं को दूर करती है। जी हाँ, हींग में उच्च मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जिनकी वजह से इसे स्किन केयर उत्पादों में मिलाया जाता है। ये त्वचा की जलन जैसी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है। त्वचा पर लगाने पर हींग अपना ठंडा प्रभाव दिखाती है और साथ ही त्वचा की समस्याओं के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया का भी सफाया करती है। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों हींग। अगली बार हम मिलेंगे आप सभी से। भूलें दोस्तों, शुगर की जो समस्या है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आजकल जो पेस्टिसाइड युक्त खाद युक्त खाना हो गया है, जो हमारी गेहूं, चावल, हर तरह की सब्जी के अंदर हम पेस्टिसाइड्स का, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से जो शुगर की समस्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य शुगर से पीड़ित मिल ही जाता है। तो शुगर की इस समस्या के लिए आज मैं आपको एक ऐसी पत्ती का प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से यदि आप उसको प्रयोग करेंगे तो आप शुगर की समस्या को बहुत ही कम दिनों में ठीक कर पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आज तक बहुत सारे नुस्खे ऐसे बताए गए हैं जिसके माध्यम से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। एक ऐसा ही देसी नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों भांग की एक पत्ती और एक बादाम। जी हाँ दोस्तों, केवल एक पत्ती भांग की धोकर
खाने से खाली पेट और साथ ही साथ उसके साथ में एक बादाम खाने से आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होनी शुरू हो गई है तथा आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके आसपास में यदि कहीं पे भांग की एक पौधा है उसकी आप पत्ती ले आएँ, हर रोज़ एक पत्ती उसकी धोकर चबाएँ खाली पेट और उसके साथ में एक बादाम खाएँ और उसके बाद में थोड़ी सी जो है एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी आप शरीर से कसरत करें तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होनी शुरू हो गई है। नॉर्मली जो भांग है उसका प्रयोग बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है, ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि भांग का जो प्रयोग है वो बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है। तो भांग का जो प्रयोग है वो आप अपनी शुगर की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं। केवल एक पत्ती आप खाली पेट खाएँ और उसके साथ में एक बादाम खाली पेट खाएँ और उसके बाद में आप कुछ कसरत ज़रूर करें, लगभग 5 से 10 मिनट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि शरीर का जो पसीना है वो निकले और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होनी शुरू हो गई है और आपका जो लेवल ऑफ शुगर है वो बहुत कम होना शुरू हो गया है। दोस्तों आपकी जो दवाइयां हैं उनको आप जारी रखें और साथ ही साथ इस देसी नुस्खे का प्रयोग आप करके देखें और मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आप यदि आप इस चीज़ को अपनाएंगे डेली करेंगे तो आपकी जो शुगर की समस्या है वो 100% कंट्रोल में आ जाएगी। तो दोस्तों इस छोटी सी जानकारी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, बहुत सारे लोगों की जो शुगर संबंधी समस्या है वो दूर हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तथा अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों आपको यदि ये जानकारी पसंद आती है आप इस जानकारी को शेयर करना मत भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।